चलो तो वो मतलब जो अभी तक जो आप पढ़े वो एक क्या था, इंस्ट्रूमेंटेशन और थ्योरेटिकल पार्ट था, तो बहुत थोड़े क्वेश्चन उनमें से आते हैं, और जो भी क्वेश्चन आते हैं मैंने सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बता दिए। अब एक्चुअली इसमें जो 20% वहाँ थ्योरेटिकल से आता है अगर कहीं क्वेश्चन आया तो, और 80% ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन से आता है। तो आप चलो देखते हैं कि क्या पढ़ना है हमें। पढ़ना है हमें इनानसियोमेरिक एक्सिस, क्या पढ़ना है, इनानसियोमेरिक एक्सेस है, ध्यान देना एक्सिस नहीं है, एक्सेस मतलब ज्यादा, इनानसियोमेरिक। जैसे आपको पता है कि आर और एस एक दूसरे क्या है, इनानसियोमर है, एक दूसरे के इनानसियोमर है। तो अगर मान लो अभी मान लो अगर किसी 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 सोल्यूशन में मान लो ये 80% हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है ये 20% होगा। तो अगर आपसे पूछे इनानसियोमेरिक एक्सिस कितना होगा, तो अगर मान लो ये 80% है और ये 20% है, तो अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को 80% रोटेट कर रहा है, ये मान लो अगर क्लॉक वाइज 80% रोटेट कर रहा है, ये कितना रोटेट करेगा, ये एंटी क्लॉक वाइज केवल 20% रोटेट करेगा, ठीक है, उस लाइट को, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए इनानसियोमेरिक एक्सिस क्या है, देखो जैसे ये क्वेश्चन ना सॉल्व करना हो ना, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनको आप मतलब ब्लैंक माइंड से भी अगर थोड़ा सा यूनिटरी मेथड लगाओगे तो ब्लैंक माइंड से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर देखो अब देखो 20% ये रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉक वाइज और क्लॉक वाइज 80% ये रोटेट कर रहा है, तो आपसे पूछेगा इनानसियोमेरिक एक्सिस कितना है। तो देखो 20% ये एंटी क्लॉक वाइज, ये क्लॉक वाइज 80%, तो देखा जाए तो 20% ये एंटी क्लॉक वाइज, अगर देखा जाए तो ये 20% जो क्लॉक वाइज रोटेट करेगा ये एंटी क्लॉक वाइज, जैसे मान लो ये है यहाँ से आया मॉलिक्यूल को यहाँ पहुँचाए, ये 20% आपने क्या किया क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, यही मॉलिक्यूल फिर एंटी क्लॉकवाइज 20% रोटेट हो गया। अब बचा इसमें बात 80%, वो 60% 80% था, 20% आपका क्या हुआ, 20% आपका मान लो ये मॉलिक्यूल था, 20% आपका प्लेन पोलराइज रोटेट किया क्लॉकवाइज इधर डायरेक्शन में, फिर ये यही सेम सैंपल को ये एस क्या कर देगा, सेम सैंपल को एस वही कर देगा, एस 20% ये 20% मान लो इधर क्लॉकवाइज, ये 20% इधर एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे ऐसे लिख लो, ऐसे और ऐसे, ये 20% मान लो क्लॉकवाइज रोटेट किया और ये 20% क्या किया एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, ये आर एस। तो अब देखो अब 60% बचा कि नहीं बचा, 60% बचा कि नहीं बचा, तो इनानसियोमेरिक एक्सिस कितना हो गया, 60% इनानसियोमेरिक एक्सिस में है आर। तो यही एक यूनिटरी मेथड होती है जिससे बहुत छोटा सा क्वेश्चन आता है, जस्ट आप देख के निकल जाओगे वो एक मार्क्स में आएगा। लेकिन अब देखो ये तो जस्ट एक थोड़ा सा यूनिटरी मेथड था, लेकिन हर बार यूनिटरी मेथड नहीं बैठता है, इसलिए इसमें कैलकुलेशन वगैरह लगती है। तो चलो हम निकालते हैं कैलकुलेशन, देखते हैं, और ध्यान देना कि देखो इनानसियोमेरिक एक्सिस अगर कहीं अगर कोई सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, क्या बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो 100% इनानसियोमेरिक एक्सिस होगा। क्यों भाई, जब सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है, एक ही मेजर प्रोडक्ट बन रहा है और कोई प्रोडक्ट ही नहीं बन रहा रिएक्शन में, तो एक ही मेजर प्रोडक्ट बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें क्या होगा 100% इनानसियोमेरिक एक्सिस होता है, ठीक है। जैसे SN2 रिएक्शन होती है, SN2 रिएक्शन में एक ही प्रोडक्ट बनता है तो उसमें क्या होता है इनानसियोमेरिक एक्सिस 100% होती है। ये थ्योरेटिकली है 100% होना चाहिए, लेकिन 100% ना बन के 99% या 98% या 93% 94% के अराउंड वो प्रोडक्ट बनता है। और लेकिन जैसे आप SN1 पढ़ते हो, SN1 पढ़ते हो नहीं, SN1 जैसे मान लो ये है, ये ब्रोमीन लग दिया आप अपने इस पे HBr का H या H प्लस और OH नेगेटिव का अटैक कर दिया, मतलब ये एसिड में आप, ठीक है, एसिड में इसको अटैक कर दिया H2O और प्लस में, तो क्या बनेगा कार्बोकेटन, पहले बनेगा कार्बोकेटन बनेगा। आप कार्बो ये प्लेनर है तो मान लो अगर ये ऐसे रहा होगा, अगर मान लो ये ऐसे है, देखो ये मान लो ऐसे है, ये ऐसे, ये Br ऊपर और ये हाइड्रोजन बी आर नीचे हाइड्रोजन अब प्लेन, लेकिन क्या कर वो बी आर निकला तो अब ये क्या हो गया प्लेनर होगा, नहीं हो गया, अभी sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ नहीं हुआ, तो ये प्लेनर हुआ, तो प्लेनर हो गया जब इसमें, तो फिर इसमें क्या करेगा वाटर जब अटैक करेगा इधर, तो यहाँ से भी अटैक कर सकता है, ऊपर से भी नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो अगर मान लो एक बार वाटर ऊपर से अटैक किया तो वहाँ कहाँ बन गया, एक ये बन गया, ये मान लो इधर है CH3 है, इधर मान लो C2H5 है, तो ये क्या हो गया, ये आपका C2H5 था, ये आपका मान लो CH3 था, ये आपका H था, तो ये देखो ये C2 प्लेनर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्लेनर है क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा कोई, चाहे जहाँ जोली को प्लेनर है, ठीक है, ये हो गया, और यहाँ क्या हो गया आपका CH3 और यहाँ क्या होगा C2H5, ऐसा हुआ, एक ऐसा हुआ, और जब ये ऊपर से अटैक किया तो मतलब ये ऊपर से अटैक किया तो ये वाला फॉर्म हुआ, ऊपर से नीचे से अटैक करेगा तो देखो नीचे से अटैक किया तो अब OH कहाँ चला जाएगा, नीचे जाएगा नहीं जाएगा,
नीचे गया कि नहीं गया, तो नीचे गया ओ एच, ऊपर क्या गया ऑटोमेटिक हाइड्रोजन। तो देखो दो प्रोडक्ट आ रहा है नहीं आ रहा। तो अगर मान लो कि भाई एक गलती कर रहे हो, नहीं कर रहे हो आप, एक गलती कर रहे हो ना, दोनों को तो आप सेम रख रहे हो, एक गलती कर रहे थे, बता रहे थे भाई एक गलती करोगे, मान लो इसका आर है इसका एस हो, ऐसा है नहीं तो आप निकालो, एक काम करो निकालो, पहली प्रियोरिटी ये, सेकेंड प्रियोरिटी ये, थर्ड प्रियोरिटी ये, फोर्थ प्रियोरिटी ये, तो इसको ऐसे घुमाए तो क्या आ रहा है, ऐसे घुमाने पर क्लॉक जा रहा है और फोर्थ प्लेन बिलो द प्लेन है, तो आर आ गया नहीं आ रहा है। तो ऑब्वियसली बात है ये एक गलती की हो आपने और दोनों को एक को सेम रखे हो तो ऐसा आएगा, नहीं देख लो कहीं, ये देखो एक आया ये और ये दो आया ये तीन आया, तो अब इसको अब किस एक आया दो आया तीन आया, तो ऐसे घुमा रहे हो क्लॉकवाइज, लेकिन क्या है एच अबव द प्लेन है, तो ये एस आ गया। तो इसका मतलब क्या है, जब दो प्रोडक्ट बन रहे हैं और हमेशा क्या होता है इक्वल अमाउंट बनता है एस एन वन में बनता है, जब इक्वल अमाउंट बना तो मतलब अगर कोई सैंपल है, कोई यही सैंपल है, ये सैंपल है, इसमें आप लाइट पास कर रहे हो, यही सैंपल है, ये आपके साथ अंदर सैंपल रखा हुआ है पोलरीमीटर ट्यूब में और इसमें आप लाइट पास कर रहे हो, तो आर वाला भी इक्वल अमाउंट में है एस वाला, मान लो आर वाला आपको प्लस 50 रोटेट किया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एस वाला इसके अंदर भी, एस वाला भी इसके अंदर सैंपल में एस वाला है, उसी लाइट को क्या कर देगा, उसी 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 लाइट को ये आर वाला मतलब क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, तो एस वाला उसी इक्वल अमाउंट में है दोनों, तो उसी उसके उल्टे डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज प्लस डिग्री प्लस 50 डिग्री, क्या कहते हैं जस्ट इसको मान रहा हूँ कि प्लस 50 ये रोटेट कर रहा है क्लॉकवाइज, ये माइनस 50 रोटेट कर देगा एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है उसी माइनस लिख के आते हैं, ठीक है, माइनस लिख देते हैं, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा क्या कहते हैं कौन लाइट इसमें, मतलब आपका ये प्लेन पोलराइज लाइट जो है वो रोटेट हो रही है नहीं रोटेट हो रही है। इसका मतलब क्या है कि इसमें इनान्सियोमेरिक एक्सिस जीरो है, क्योंकि जीरो है, कितना है इनान्सियोमेरिक एक्सिस जीरो है, क्यों, क्योंकि रोटेट ही नहीं हो रहा है, कोई इनान्सियोमेरिक एक्सिस में है ही नहीं भाई, ये भी जितना अमाउंट में है ये है, उतना अमाउंट में यही है ये है, तो इसके लिए इसीलिए इस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, जब कहीं आर और एस आ जाए दो मिक्सचर में इक्वल अमाउंट में आ जाए तो इन्हें बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ये इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है, रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं रेसमिक मिक्सचर बोलते हैं। तो इसीलिए ध्यान देना कि जब कभी भी ऐसे आ जाए इक्वल अमाउंट में रेसमिक मिक्सचर होते हैं, तो आप बोलोगे सर आपने बताया था मीजो भी कंपाउंड बताया था आपने, इसे मान लो इधर ओ एच ले लो, इधर एच ले लो, इधर सी एच थ्री, ये सी एच थ्री और ये एच और ये ओ एच, तो देखो प्लेन ऑफ सिमेट्री है, नहीं सिमेट्री है, प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो आप बोलोगे सर आप एक काम करते हैं इसका कॉन्फिगरेशन निकलते हैं, वन और ये हो गया आपका टू, ये थ्री, ये फोर, क्योंकि ये इधर आएगा कार्बन, इधर आएगा कार्बन, फिर कार्बन का गया हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ कार्बन का गया ऑक्सीजन, तो इसलिए दो प्रायोरिटी मिला, ये थर्ड ये फोर्थ, लेकिन फोर्थ को हमें ला रहा नीचे, तो एक गलती कर दिया, फिर एक गलती और कर दो, तो इसको इसको आपस में इंटरचेंज कर दो, तो ये ऐसे रोटेट हुआ कि नहीं रोटेट हुआ, ऐसे रोटेट हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ये एस है, ऑब्वियस सी बात है आप यहाँ, ऑब्वियस सी बात है दूसरा क्या होगा, यहां देखो, यहां देखना, यहां निकालना, ये क्या होगा जब प्लेन पोलराइज लाइट प्लेन प्लेनर आ जाता है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आता है, ऑब्वियसली बात है इसका कॉन्फिगरेशन एक चेंज हो जाता है, आप बोलोगे सर ये दोनों तो सेम लग रहे हैं, चेंज कहाँ किया, अरे भाई यहाँ देखो सी एस थ्री कहाँ था, यहाँ सी एस थ्री आपके नीचे था और ओ एच कहाँ था, ऊपर था, ऐसे आप देख रहे हो, यहाँ देखो ओ एच नीचे कर दिया आपने, सी को ऊपर कर दिया, क्योंकि ये ऐसा लाइन मान के चलोगे ना, इसको ऐसा मान के चलोगे, एक गलती किया, नहीं तो आप निकाल लो, यहाँ देखो ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, ये हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, एक गलती करो फोर्थ आया और ये सेकंड, और ये दोनों को चेंज करो टू और थ्री को, तो आप रोटेट करो कैसा आ रहा है, अब कैसा आ रहा है ये क्लॉकवाइज आ रहा है, तो ये आर हो गया, ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्योंकि बताया था ना फिशर प्रोजेक्शन में जब एक आर हो जाता है एक एस हो जाता है और प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, और कहीं भी अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आ रही है ना, कहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही, मान लो देखो कहीं मान लो ऐसे हो जाए एच हो जाए यहाँ और ओ एच हो जाए यहाँ और सी एच थ्री हो जाए यहाँ, और यहाँ से देख के बताना, यहाँ से बताना सी एच थ्री हो जाए और यहाँ से बता एच हो जाए और यहाँ से ओ एच हो जाए, आपसे कोई पूछे कि बताओ ये मीजो है कि नहीं है, तो बोलोगे सर ये तो देखने में कहीं लग नहीं रहा है कि, आप बोलोगे कि देखने में कहीं लग नहीं रहा है कि मीजो है कि नहीं है, अरे भाई मीजो होने के लिए एक काम करो ना, क्यों हम करें एक काम करते हैं, दोनों कॉन्फिगरेशन निकाल लेते हैं, अभी हमें नहीं पता है कि मीजो है कि नहीं है, इसका कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे हैं, अगर इसका कॉन्फ़िगरेशन इसके जस्ट अपोजिट आ गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन जस्ट इसके अपोजिट आ गया, जैसे दो
कायरल सेंटर है, मान लो इसे चार कायरल सेंटर वाला हो, चार कायरल सेंटर बोल, चार चार सेंटर वाला हो, चार सेंटर वाला हो, मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन आर आर आ जाए और बीच में से एक लाइन डालो इसका कॉन्फ़िगरेशन एस एस आ जाए, तो ये भी भाई मेजो कंपाउंड होगा। तो यहाँ चेक करो, चलो इसको चेक करो, आर है एस है, पहले एक काम करो चेक करते हैं, ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, सेकंड प्रायोरिटी है, थर्ड प्रायोरिटी है, फोर्थ प्रायोरिटी है, तो इसको चेंज करो, फोर्थ प्रायोरिटी नीचे ले जाओ, ये दो हो गया और आपस में ये एक दूसरे का इंटरचेंज कर दो, एक दो तीन, तो ये क्या आया एक दो तीन, एस आर नहीं आ रहा है, एस एस आ गया, और इसका देखो इसका यही सेम कॉन्फ़िगरेशन है, इसका आर आर नहीं आ रहा है, तो देखो एक, एक ये एस आ गया, ये आर आ गया, तो ये भी भाई ये क्या है मीजो कंपाउंड है, ध्यान देना मीजो कंपाउंड है, मीजो कंपाउंड है, ये भी क्या है मीजो कंपाउंड है, ये भी क्या है आपका मीजो कंपाउंड है, ध्यान देना मीजो कंपाउंड है, ठीक है। कैसे मीजो कंपाउंड है भाई, ये देखो ना आपने क्या किया है, इस वाले मॉलिक्यूल से, इस वाले मॉलिक्यूल से ध्यान देना, इस वाले मॉलिक्यूल से क्या किया आपने, OH को CH3 इंटरचेंज किया, एक इंटरचेंज आपने किया और H को यहाँ रहने दिया, एक इंटरचेंज किया, एक गलती किया तो OH आपके इस जगह पहुँच गया, अभी लेकिन आपको चाहिए H यहाँ, तो देखो एक गलती किया, अब फिर दो गलती कर दो, एक मिस्टेक किया, दो मिस्टेक कर दो, तो भाई कॉन्फ़िगरेशन सेम हो जाएगा, तो आप देखो दो मिस्टेक करो, OH यहाँ रख दो, H यहाँ रख दो, CH3 के यहाँ, तो ये और ये दोनों सेम है ना, तो इसका मतलब ये भी सेम है, तभी एस एस आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये भी क्या है मीजो कंपाउंड है, तो ध्यान दे लेना कभी कभी मीजो कंपाउंड, ये नहीं कि सीधे सीधे प्लेन ऑफ सिमेट्री, वो जितने भी मॉलिक्यूल मैंने एग्जांपल दिए होंगे ना सब में प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही होगी, और उसमें चेक कर लेना सभी में जितने भी मैंने मीजो बोले होंगे, एक का आर एक अगर एक का आर आ रहा है तो नीचे वाला जस्ट उसके नीचे वाला का एस आ रहा है, ठीक है, जस्ट बीच से एक लाइन खींचना, जैसे ये बीच से एक लाइन खींचो, अगर ऊपर आर 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 आ रहा है नीचे एस 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 आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है वो मीजो कंपाउंड होगा, ऐसे मान लो इसको आर 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 आया यहाँ एस 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 आया तो मीजो कंपाउंड है, तो मीजो कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, क्या होता है मीजो कंपाउंड ध्यान से सुनना, मीजो कंपाउंड भी क्या होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है, और देखो आरएस भी जो है ये भी क्या है, ये कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कोई रोटेट कर रहा है तो मतलब ये भी ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ये भी ऑप्टिकल ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो आप बोलोगे सर मीजो कंपाउंड और ये दो कंपाउंड जो मिरर इमेज हैं एक दूसरे के, इनानसियोमर एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं, ठीक है, मिरर इमेज के साथ साथ कोई सिमेट्री नहीं होती है उनमें, तो अब ये इनानसियोमर है आर और एस एक दूसरे के इनानसियोमर होते हैं, मैंने पढ़ाया था सब चीज़ें कि आर आर आ जाए एस एस आ जाए, अलग 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 पढ़ाया था, लेकिन जब कहीं एक ही कंपाउंड में आर एस आ जाए तो ये ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, लेकिन ड्यू टू एक्सटर्नल मतलब अलग अलग ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन ये ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो यही डिफरेंस है मीजो और रेसिविंग मिक्सचर में। अब देखो यही रेसिविंग मिक्सचर भी ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, ध्यान देना ये भी क्या होता है ऑप्टिकल इनएक्टिव होता है, तो ये क्या होता है रेसिविंग मिक्सचर क्या होता है एक्सटर्नल कंपनसेशन से इनएक्टिव होता है, इसीलिए क्या होता है कि जब कहीं इक्वल अमाउंट में आर आ जाए इक्वल अमाउंट में एस आ जाए तो एस एन वन रिएक्शन में हमेशा इक्वल अमाउंट में आ रहा था इक्वल अमाउंट में एस आता है, तो क्या होता है उनमें दो अगर आप मेजर और माइनर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हो कि कौन सा मेजर है कौन सा माइनर है दोनों प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी हो तो वो रेसिविंग मिक्सचर होता है और ये मीजो कंपाउंड होता है, तो मीजो कंपाउंड इनएक्टिव होता है ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन और ये भी क्या कहते हैं इनएक्टिव होता है रेसिविंग मिक्सचर ड्यू टू एक्सटर्नल कंपनसेशन, तो ये डिफरेंस होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है ये ऑप्टिकल इनएक्टिव, तो इसलिए क्या होता है कि जब ऑप्टिकल इनएक्टिव चीजें होती हैं वो कभी भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, इसीलिए क्या होता है जैसे कोई सैंपल आपने रखा पोलरोमीटर के ट्यूब में आप उसमें रेज पास किए कोई रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है भाई कोई रिफ्लेक्शन नहीं दे रहा मतलब कंपाउंड ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो इससे पता करते हैं। देखो वो सारी चीज़ें हम वहाँ निकालते थे अपने थ्योरेटिकल अपने कैलकुलेशन वगैरह करके मतलब जो भी ट्रिक से निकाल रहे थे, लेकिन पोलरोमीटर से रियल का पता चलता है भाई ऑप्टिकल इनएक्टिव है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करते हो ना आप उसमें, आप जब कोई प्रैक्टिकल करते हो तो आप अपने कॉपी में एक प्रेडिक्शन लेके चलते हो ऐसा बनना चाहिए, तो अगर ऐसा बनना चाहिए और हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से अगर मैच करें तब तो बात सही है, नहीं तो फिर नहीं आपका कुछ अलग मॉलिक्यूल बन रहा है अगर एक्सपेरिमेंट वैल्यू से नहीं मैच कर रहा है। तो देखो ध्यान देना कि क्या पढ़ा रहा था, ये बता रहा था इनान्सियोमेरिक एक्सिस, ठीक है, इनान्सियोमेरिक एक्सिस स्मॉल ई लिखते हैं इनान्सियोमेरिक एक्सिस को, ठीक। तो अगर मान लो अगर एक सिंगल आइसोमर बन रहा है SN2 में सिंगल आइसोमर बनता है, ठीक है, सिंगल आइसोमर अगर बन रहा है सिंगल आइसोमर बोल रहा हूँ, आइसोमर में तो दो होते हैं ना, अगर सिंगल कंपाउंड बन रहा है
सिंगल कंपाउंड बन रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि और ऑप्टिकल एक्टिव है, सिंगल कंपाउंड है और ऑप्टिकल एक्टिव है, इसका मतलब क्या होगा कि उसमें 100% एनसियोमेरिक एक्सिस होगा। और जैसे ही आप माइनर माइनर प्रोडक्ट ऐड करते जाते हो, मान लो अगर एक आर बन रहा हो एक एस बन रहा हो कहीं, और मान लो आर 80% है और एस मान लो 20% है, तो ये हो गया मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट, और ये हो जाएगा माइनर। तो मतलब क्या है कि जैसे जैसे आप माइनर प्रोडक्ट ऐड करते जाते हो, जैसे जैसे आप देखो मान लो ये 70% हो गया, ऑब्वियसली बाय टोटल तो 100% होता है, तो ये 70% हो गया, ये 30% हो गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इनान्सियोमेरिक एक्सिस घटती जाती है, ऊपर से नीचे आने पे देखो घट रही है, नहीं घट रही है, ओ घट रही है, सॉरी बढ़ रहा लिख दिया, घट रही है, ऊपर से नीचे आने पे घट रही है। तो यहाँ देखो इनान्सियोमेरिक एक्सिस कितना रहा, मान लो अगर ये 80% है, ये माइनर 20% है, तो माइनर क्या करेगा, अगर ये 80% मान लो आपका क्या हुआ, लाइट 80% रोटेट हुई, इतना मान लो ये 80% रोटेट हुई, ऐसे मान लेता हूँ, देखो मान लेता हूँ ये ऐसे पांच पार्ट में डिवाइड करता हूँ, देखो ऐसे इसको मैं एक काम करता हूँ, ये पांच पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो मान लो लाइट आपकी यहाँ थी, कहाँ थी लाइट, लाइट आप लाइट को आपने 80% रोटेट किया, देखो ये 20% ये 20% ये 20% ये 20% ये 20% लाइट आपकी यहाँ थी, मान लो लाइट आपकी यहाँ थी, ठीक आपके क्या हुआ, ये वाला आर वाला क्या हुआ, क्या किया, इसको पहले 80% रोटेट किया, यहाँ तक रोटेट करके ले आया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट किया, अब फिर एस क्या करेगा, उसी ही लाइट को क्या करेगा, 20% क्या कर देगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, तो 20% एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देगा, इसका मतलब क्या है, लाइट आपको कहाँ दिखेगी, इसका मतलब यह है कि लाइट आपको कहां दिखेगी, लाइट आपको यहां दिखेगी, यहां यहां तक पहुंची हुई दिखेगी रियल में, ठीक है यहां तक पहुंची हुई जो नीले नीली है, यहां तक आपको पहुंची हुई दिखेगी, इसका मतलब इनान्सियोमेरिक एक्सिस कितना है इसमें 60% है, 60% इनान्सियोमेरिक एक्सिस है, ठीक। और ऐसे जैसे मान लो ये आर मेजर है, अभी मेजर है, तो क्या करेगा, 70% आपको 70% आपके क्लॉकवाइज रोटेट किया और ये 30% एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो इनान्सियोमेरिक एक्सिस कितना हो जाएगा, 40% होगा, नहीं होगा 40% होगा। तो ऐसे देखो जब आप जैसे जैसे आप माइनर प्रोडक्ट बढ़ाते जा रहे हो और वैसे वैसे क्या हो रहा है, इनान्सियोमेरिक एक्सिस घटते जा रहा है, तो ऐसे जब मान लो 50% आपका ये हो गया और 50% ये हो गया, तो ऑब्वियसली बात है जब 50% ये हो गया 50% ये हो गया, तो इनान्सियोमेरिक एक्सिस 0%, तो वही जब 0% हो जाता है तो आपको क्या बोल देते हैं कि वो रेसिव मिक्सचर बन रहा है। तो ये आई थिंक थोड़ा बहुत तो आपको इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि भाई इनान्सियोमेरिक व्हाट इज द इनान्सियोमेरिक एक्सिस, मतलब इनान्सियोमेरिक क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ऐसा फिजिकल सिग्निफिकेंस है, कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, इसीलिए मैं व्हील भी लेके बता दिया, ठीक है मैथमेटिक्स का व्हील भी लेके बता दिया कैसे आपको समझना है। तो अब देखो हम कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है अगर एक बार आप पढ़ जाओगे ना ये समझ जाओगे, दुनिया में कभी पढ़ने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, चाहे आप IIT PhD करने चले जाओ या कहीं आप कहीं कुछ रिसर्च करने चले जाओ या IIT MSc करने चले जाओ, कहीं भी जो भी आप जैसे जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सब चीज़ें बहुत ही, अब अगर आप ऑर्गेनिक में रिसर्च करने जा रहे हो तो आपके लिए तो ये सब चीज़ें इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूछो नहीं। दिन भर आप क्या करते हो, रिएक्शन करते हो, रात को जाके उसको चेक करते हो कि भाई 10-12 घंटे रिएक्शन किए, प्रोडक्ट बना उसको जाके चेक करते हो, NMR डाटा लेते हो, ये ऑप्टिकल प्योर एक्टिविटी लेते हो, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड लेते हो, IR लेते हो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रिसर्च लेवल पे, उन्हीं से पता चलता है भाई हमारा कंपाउंड कैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक। देखो अब फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला क्या आता है इनान्सियोमेरिक एक्सिस का, ध्यान देना, इनान्सियोमेरिक एक्सिस का फॉर्मूला होता है, एक फार्मूला होता है ये, परसेंटेज ऑफ इनान्सियोमेरिक एक्सिस का, भी इनान्सियोमेरिक एक्सिस का क्या था, निकाल रहे थे नहीं निकाल रहे, अगर मान लो 70% इनान्सियोमेरिक मेजर प्रोडक्ट था आर, और मान लो एस मान लो माइनर प्रोडक्ट, ये मान लेता हूँ मेजर, क्योंकि 70 है मेजर है, तो ये बताओ 30% कितना था, 30% कितना था माइनर था, तो इनान्सियोमेरिक एक्सिस कितना आ रहा था, इनान्सियोमेरिक एक्सिस 40% आ रहा था, नहीं आ रहा था 40%। इसका मतलब क्या है कि इनान्सियोमेरिक एक्सिस अगर मुझे निकालना हो तो परसेंटेज ऑफ मेजर, परसेंटेज ऑफ मेजर इनान्सियोमर इनान्सियोमर परसेंटेज ऑफ मेजर इनान्सियोमर परसेंटेज ऑफ मेजर इनान्सियोमर और माइनस, देखो यहाँ लिख देता हूँ, परसेंटेज ऑफ इनान्सियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू, इनान्सियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ
मेजर परसेंटेज ऑफ मेजर इनांसियोमर माइनस माइनस परसेंटेज ऑफ माइनर परसेंटेज ऑफ है, ठीक है, ऑफ माइनर इनांसियोमर इनांसियोमर ये फार्मूला आ गया। अब देखो एक फार्मूला ध्यान देना कि परसेंटेज ऑफ इनान, अगर मान लो आपको आपको दे दे कि ये बोल दे कि 40% क्या है, बोल दे कि मान लो बोल दे कि बताओ मेजर क्या है, आपसे बोल दे कि मेजर आर है, मान लो ऐसे मेजर आर दे दे और बोल दे इनांसियोमेरिक एक्सिस है 40, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि परसेंटेज ऑफ आइसोमर कितना है। ध्यान देना परसेंटेज ऑफ आइसोमर कैलकुलेट करने का फार्मूला, तो ध्यान देना सब कुछ वहां से डाटा लिखा हुआ है, सब कुछ बता दिया हूं। देखो तो यहां से देखना परसेंटेज ऑफ, ध्यान देना परसेंटेज ऑफ मेजर मेजर इनांसियो मर इज इक्वल टू 100 प्लस इनांसियोमर एक्सिस डिवाइड बाई 2। देखो मेजर आपका 70 आना चाहिए क्योंकि मेजर ये 70 है, तो 100 और देखो मान लो इनांसियोमेरिक एक्सिस कितना है वहाँ 40 है प्लस 40 और डिवाइड बाई 2, तो देखो ये कितना है 140 और डिवाइड बाई 2, 70 आ रहा है नहीं आ रहा है, देखो प्रूफ हो गया नहीं प्रूफ हो गया। जो चीज़ें आप यूनिटरी मेथड्स कर रहे हो बस उसको मैं फार्मूलेशन कर रहा हूँ, बस जो चीज़ें आप यूनिटरी मेथड से हम कर रहे थे एग्जाम में वही बस मैं फार्मूलेशन कर रहा हूँ, और देखो प्रूफ भी आ रहा नहीं सामने सामने तुम्हारे सारी चीज़ें, तो सामने चीज़ें आ रही हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये फार्मूला हो गया ये। और फिर इससे बाद परसेंटेज ऑफ माइनर भी कभी कोई पूछता है, तो परसेंटेज ऑफ माइनर क्या हो जाएगा, परसेंटेज ऑफ माइनर इनांसियोमर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस इनांसियोमेरिक एक्सिस डिवाइड बाई 2। अब देखो यहाँ क्या था, माइनर माइनर निकालना है परसेंटेज, इनांसियोमेरिक एक्सिस कितना था, इनांसियो 40 है, 100 माइनस 40 और डिवाइड बाई 2, देखो 60 डिवाइड बाई 2 30 आ रहा है नहीं आ रहा है, 30% आ रहा है, देखो 30% माइनर आ रहा है नहीं आ रहा है, तो जस्ट इससे प्रूफ भी हो रहा है, ठीक है। तो ये एक फार्मूले थे, दो फार्मूले थे, और देखो ये सारी चीज़ें आगे ना नहीं आगे आप देख लो ना खुद देखो परसेंटेज, अब आपसे निकालो इनांसियोमेरिक एक्सिस, देखो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल और एक नहीं राइट हैंड साइड के, तो मेजर परसेंटेज ऑफ मेजर इनांसियोमर कितना होता है, ये हो जाएगा 100 प्लस इनांसियोमेरिक एक्सिस डिवाइड बाई 2, और माइनस ये माइनर कितना होता है 100 माइनस इनांसियोमेरिक एक्सिस मतलब इनांसियोमेरिक एक्सिस डिवाइड बाई 2, तो आप इनको कैलकुलेट करो कितना आया 100 प्लस इनांसियोमेरिक एक्सिस पोला होल बाई 2 हो जाएगा, और माइनस 100 और देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा प्लस ई, तो देखो 100 कट गया और यहाँ हो गया 2ee डिवाइड बाई 2, 2 से 2 कट गया, ई आ रहा है नहीं आ रहा है, यही आ रहा है नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि फार्मूला सही है कि नहीं सही है, फार्मूला सही है ना, इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब फार्मूला सही है, तो ये नोट कर लो, ये बहुत छोटे छोटे से फार्मूले हैं, बहुत छोटे छोटे से फार्मूले हैं, बहुत ज़्यादा भूलते हैं, और अगर भूल भी गए सारे फार्मूले ना यार यहाँ से तो निकाल सकते हो ना, मैथमेटिक्स तो निकाल सकते हो, और मैथमेटिक्स निकालने से खुद एक फार्मूला आप डेवलप कर सकते हो। देखो पहले मैंने आपके सामने मैथमेटिक्स से पहले ही आंसर हमें पता था, उसी को बस मैं फार्मूलेशन किया हूँ कि भाई देखो परसेंटेज इनांसियोमर एक्सिस क्या आता, इसमें से इसको माइनस कर रहे थे 40 आ रहा था, अब बता भी दिया कि भाई थ्योरेटिकली कैसे होता है कि भाई अगर कोई 70 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है और वही सेफ सैंपल क्या करेगा, उसी प्लेन पोलराइजर को पहले 70 डिग्री मान लो आर वाला 70 डिग्री रोटेट किया क्लॉकवाइज, और फिर वही उसी सैंपल को एस वाला क्या कर देगा 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो आपको दिखेगा क्या, आपको दिखेगा इनांसियोमेरिक एक्सिस में वो केवल 40% ही रोटेट कर रहा है, इसीलिए उसी बोलते हैं कि इनांसियोमेरिक एक्सिस कि मतलब आपको दिखेगा 40%, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है, ये सारे फार्मूलेशन है कैसे आपको फार्मूले में कन्वर्ट किया गया है, तो देख लेना ये सारी चीजें, पढ़ा दिया बता दिया ठीक है, नोट कर लो सारी चीजें अच्छे से फार्मूले नोट करना, इसीलिए मैं हर चीज का मैथमेटिकल प्रूफ भी आपको देते चाह रहा हूं पहले ही, तो मैं रफ कर रहा हूं ये, देखो अब फिर एक होता है इनांसियोमेरिक एक्सिस, एक होता है क्या इनांसियोमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू, ध्यान देना अब क्या देखा, टोटल क्या होता है, टोटल इनांसियोमर कितना होता है, अगर आपसे पूछो कि परसेंटेज इनांसियोमर निकालना हो, परसेंटेज इनांसियोमर निकालना हो, और टोटल क्या होता है, टोटल इनांसियोमर टोटल किसी चीज़ का परसेंटेज 100 होता नहीं होता है, तो ध्यान देना यहाँ से होता है अमाउंट ऑफ मेजर माइनस अमाउंट ऑफ माइनर
डिवाइड बाई 100, क्योंकि टोटल 100 होता है, किसी चीज़ का परसेंटेज निकाल रहे हो, ऑब्वियस सी बात है कितना हो सकता है, मैक्सिमम 100 हो सकता है। तो मतलब इसे क्या हुआ कि अमाउंट ऑफ मेजर माइनस अमाउंट ऑफ माइनर अपॉन डिवाइड बाई टोटल करते हो, नहीं करते हो परसेंटेज के लिए, परसेंटेज के लिए, तो ये क्या हो गया आपका टोटल हो गया। तो ये टोटल 100 होता है किसी चीज़ का, क्योंकि 100% ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होती ना, इसीलिए क्या होता है कि टोटल कर लिए तो यहाँ ये पता चल गया। अब देखो ध्यान से देखना एक चीज़, ये सारी चीज़ें आ गई, तो ये एक फार्मूला ये भी होता है, ठीक है, कभी ग्राम में दे दे कि बताओ 5 ग्राम ये है, 10 ग्राम ये है, तो बताओ परसेंटेज कितना हो, इनान्स्यूमेरिक एक्सेस कितना हो। मान लो ऐसे बोल दे कि मेजर आपके पास 10 ग्राम है, और बोल दे कि माइनर जो बन रहा है वो 5 ग्राम बन रहा है, तो बोलेगा इनान्स्यूमेरिक एक्सेस बताओ, तो ऑब्वियस बात है इनान्स्यूमेरिक एक्सेस कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 100, इनान्स्यूमेरिक एक्सेस कितना हो जाएगा, इनान्स्यूमेरिक एक्सेस कितना हो जाएगा इंटू इनान्स्यूमेरिक एक्सेस 0.5%, 0.5 परसेंटेज नहीं जाएगा, इनान्स्यूमेरिक एक्सिस आएगा, ठीक है। परसेंटेज में कैलकुलेट करोगे 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है, परसेंटेज में कैलकुलेट कराओगे तो 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे, ये परसेंटेज नहीं होगा, लेकिन टोटल क्या होता है, टोटल हर चीज़ 100 ही होती है, ठीक है, 100 होती है, तो टोटल करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करा दोगे। तो ये आपका अमाउंट में कभी कभी पूछता है, ध्यान देना इस चीज़ें, बस वो लिखा जाता है कि फ्रैक्शन में लिखा गया है, तो वही वही बात वही इनान्स्यूमेरिक को परसेंटेज में लिख दो, तो जो वैल्यू आ रही है उसको 100 में लिख दो, और अगर परसेंटेज में नहीं कब लिखना चाह रहे हो, तो आप इनान्स्यूमेरिक में लिखना चाहते हो तो कितना आ रहा है, तो उससे 100 से मल्टीप्लाई मत करो। तो वो दोनों सही था फार्मूला, जो मैंने बाद में लिखा वो पहले लिखा तो भी दोनों सही था, डिपेंड करता है आपके परसेंटेज में देख रहे हो फ्रैक्शन में उसको डील कर रहे हो, ठीक है। अब देखो एक फार्मूला और होता है इनान्स्यूमेरिक एक्सिस का, इनान्स्यूमेरिक एक्सिस इक्वल टू होता है स्पेसिफिक रोटेशन, ध्यान देना, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, ध्यान देना मिक्सचर, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर अपॉन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मेजर इनान्स्यूमर, क्योंकि मेजर रोटेशन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर, ध्यान देना स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर कि मिक्सचर कितना रोटेट कर रहा है, ठीक है, मिक्सचर कितना रोटेट कर रहा है, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मिक्सचर की कितना हो रहा है, और ये ध्यान देना स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ मेजर इनान्स्यूमर ऑफ मेजर इनान्स्यूमर इनान्स्यूमर और ये ध्यान देना, और वो क्वेश्चन में होना चाहिए इट्स प्योर फॉर्म, मतलब इट्स प्योर फॉर्म, इट इज प्योर फॉर्म ऑफ इनान्स्यूमर। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं आपसे बोलूँ देखो स्पेसिफिक रोटेशन को बहुत बुक में थीटा भी लिखते हैं और बहुत बुक में अल्फा से भी डिनोट करते हैं, तो आपकी मर्जी है किसमें डिनोट करना है, ठीक है, ध्यान देना, बहुत लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत लोग अल्फा से, तो वो आपकी मर्जी है कैसे आप क्या चूज कर रहे हो। तो ध्यान देना कि अगर कहीं देखो कभी कभी आपने देखा होगा कि अल्फा ऐसे लिखा होता है अल्फा डी लिख के 25 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा होता है, इसका मतलब क्या है ध्यान देना, इसका मतलब ये होता है कि आप इसमें सोडियम की डी लाइन यूज की हो, सोडियम की डी लाइन जो आप देखते हैं ना वहाँ पढ़े होगे आप सोडियम लाइन पर डी लाइन के लाइन निकलती है, ठीक है, तो वो सोडियम की डी लाइन यूज की हो एज ए मोनोक्रोमेटर, और रिएक्शन कर आप जो पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन करा रहे हो उसमें उस इंस्ट्रूमेंट की पूरे टेम्परेचर किस टेम्परेचर पर रिएक्शन करा रहे हो 25 डिग्री टेम्परेचर। कभी आपसे कभी मान लो आप इंटरव्यू में पूछने गए आपने लिख दिया भाई स्पेसिफिक रोटेशन डी इज इक्वल टू क्वेश्चन में ऐसे मान लो कहीं दे दे, अब बोलते हैं चलो इसको फिजिकल सिग्निफिकेंस बताओ, तो इसका मतलब फिजिकल सिग्निफिकेंस यही है कि आप उसमें मोनोक्रोमेटर डी लाइन यूज कर रहे हो और 25 डिग्री टेम्परेचर पे वो सारा आप इंस्ट्रूमेंटेशन को डील कर रहे हो, ठीक है, तो ये मतलब होता है, ध्यान दे रहे हैं ये सारी चीज़ें। अब ध्यान देना तो इनान्स्यूमेरिक एक्सिस को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ इनान्स्यूमेरिक एक्सिस इज इक्वल टू अल्फा मिक्सचर अपॉन अल्फा मेजर सब्सटेंस, ठीक है, तो ये बातें पता चली भाई किस तरीके से क्या होना था, ठीक है, तो ये इनान्स्यूमर इनटू 100 तो लिखना भूल गया, अगर परसेंटेज में अगर डील कर रहे हो तो इनटू 100 कर दो, अगर परसेंटेज में डील कर रहे हो तो इनटू 100 कर दो, अगर परसेंटेज में डील कर रहे हो तो इनटू 100 कर दो,
ठीक है, फ्रैक्शन में डील करना चाहते हो तो मत करो 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है, तो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन जनरली वो परसेंटेज में पूछते हैं इसलिए हम भी परसेंटेज में लिख देते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो कैलकुलेशन, जो 4-5 फार्मूले बताए ना, इन्हीं पे भी सारे ही फार्मूले आपके फार्मूलेट किए गए हैं। अब बस ये होता है कि आप उनको कैसे समझ रहे हो, कैसे नहीं समझ रहे हो। चलो आगे देखते हैं, देखो